होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। हम यहाँ पे हैं नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के वेबसाइट पेज पे। दरअसल बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि किस तरह से CCH में रजिस्ट्रेशन कराया जाए, और अगर CCH का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, या अगर जो वैकेंसीज अभी आ रही हैं उसमें CCH का रजिस्ट्रेशन उनके पास नहीं है, ऐसे में वो क्या करें। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं लेके आई हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें सबसे पहले आपको जाके सर्च करना है कि आपका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं है। दरअसल अब डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और हर चीज़ ऑनलाइन होना ज़रूरी है, इसीलिए आपका नाम भी ऑनलाइन रजिस्टर्ड यहाँ पे हो रहा है। आस्ते आस्ते ही सही, लेकिन कार्य चल रहा है। तो अब आपने पहला सवाल आपका जो है वो ये है कि CCH में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन से हमने एप्लीकेशन दी हुई है, आगे काम नहीं प्रोसेस हो रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक दो साल से इस तरीके का प्रॉब्लम में वो हैं। तो अगर ऐसे आप भी उन्हीं में से एक हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप अपने बोर्ड ऑफिस यानी कि जिस भी स्टेट से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उस स्टेट का जो बोर्ड ऑफिस है जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन कराया था जाइए, वहां जाके आपको एक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। ठीक है, फॉर्म के साथ आपको एक आधार कार्ड का जेरोक्स चाहिए होगा, आपकी फोटोग्राफ चाहिए होगी, आपका पैन कार्ड आप लेते हुए जाइएगा, उसका भी जेरोक्स लेते हुए जाइएगा, उन सबका सेल्फ अटेस्टेड बोलेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है जो कि स्टेट रजिस्ट्रेशन है वो, उसका एक जेरोक्स चाहिए, इंटर्नशिप का जेरोक्स, और जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सब भी लेते हुए जाइएगा। और बोर्ड ऑफिस में एक फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिस फॉर्म को अगर आप भरेंगे तो उसके बाद जो है वो अपना जो जितना है, जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है उन सबको वो डिजिटल करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी में भेजेंगे, और उसके बाद फिर आपका नाम वहाँ पर आने लगेगा अपडेट होने के बाद। तो ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपको बोर्ड ऑफिस की तरफ से सब डिटेल्स बता दी जाएंगी। आपको वहाँ जाके आप एक फॉर्म फिलअप कर देना है और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी में आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि अब ये प्रोसेस हो गया है कि वो जो फॉर्म आप भरते थे, फॉर्म में साइन लगता था, ये होता था, वो होता था, आपका दो तरीके से आपका बोर्ड ऑफिस से भी जांच होती थी, वेरिफिकेशन होता था, और कॉलेज से वेरिफिकेशन होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ बोर्ड ऑफिस से ही वेरीफाई होगा। और वो भी बोर्ड ऑफिस को कहा जाता है कि आप जितने नाम हैं वो हमें भेजिए और हम इसको डिजिटल करेंगे। तो ये तो थी एक छोटी सी न्यूज़ जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप सब चाहते हैं जानना कि आखिर CCH में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्योंकि अभी भी जो भी फॉर्मेट आता है जॉब का उसमें सब में CCH लिखा रहता है। तो देखिए ये एक ओल्ड वेबसाइट है CCH की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये ओल्ड वेबसाइट है CCH की, जो इधर से उधर हो रहा है आप देख ही रहे होंगे। तो ओल्ड वेबसाइट जो है अब वो न्यू हो गई है और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी हो गई है। ठीक है, ये मैंने आपको सजेस्ट किया कि किस तरीके से आपको यहाँ पे जाना है बोर्ड ऑफिस में और सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको भरनी है। एक फॉर्म दिया जाएगा जिस फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स भरनी है, सेल्फ अटेस्टेड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स करके आपको लेके जाना है, वहाँ पे देना है। अगर मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल है तो वो भी लेते हुए जाइएगा। ठीक है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी लेते जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो पा रहा है CCH में, नाम आपका रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है, तो आप वहाँ ज़रूर जाइए। CCH में तो नहीं होगा आप रजिस्टर्ड, क्योंकि वो अब बदल चुका है और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी हो चुका है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप बोर्ड ऑफिस में जाके सारी डिटेल्स पता कीजिए अपने अपने बोर्ड ऑफिस में, और वहीं पर सब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। वो लोग खुद अपने लेवल पर जो है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी में सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, और उसके बाद वो खुद ब खुद अपडेट कर देती है। कौन करती है? नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब एक जनरल सा सवाल है कि किस तरीके से ये पता लगाया जाए कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नेशनल रजिस्टर पे जाके क्लिक कीजिएगा। इस तरीके की वेबसाइट जो है वो एक अलग से पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आधार नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ अगर आप क्लिक कर देते हैं तो एक और साइट खुलता है जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, स्टेट रजिस्ट्रेशन,
सेलेक्ट स्टेट क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे सीरियल नंबर आपका आएगा वही आपका नेशनल, वही आपका जो है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथी है। तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। आइए थोड़ा और क्लियर करके मैं बता दूँ। दरअसल ये है, ये इस साइड पे आप अपने राइट हैंड साइड आप कह सकते हैं, यहाँ जाइएगा, ये देखिए इस तरफ जो है नेशनल रजिस्टर करके है, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं ये आप जान सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली डिटेल सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।